नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नए साल। नए साल के आगाज के साथ ही बिहार की सियासत में पोस्टर बार जारी है और ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है कि बिहार की सियासत को पोस्टर बहुत सूट कर रहा है। देखिए, आज फिर आरजेडी कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है सबसे ऊपर, पाखंडी है सरकार, यानी कि ये इशारा नीतीश सरकार पर है। पाखंडी है सरकार, पिछड़ रहा बिहार, इसका हेडिंग दिया गया है। और उसके सब हेडिंग जो दिया गया है उसमें लिखा गया है, लूट खसोट और धोखेबाजी करती अत्याचार, गुप अंधेर नगरी वाली है ये चौपट सरकार। और इसमें कुर्सी पर सीएम नीतीश कुमार को दिखाया गया है और एक साइड में सुशील कुमार मोदी, और बिहार के टुकड़े टुकड़े होते हुए बिहार जो शब्द है उसे देखिए, एक साइड में बी को जो है सुशील कुमार मोदी लिए हुए हैं और जो हार को है वो सीएम नीतीश कुमार लिए हुए हैं। उसके बगल में एक आम आदमी बैठा है जो दोनों चीज़ों को देख रहा है। यानी कि कुल मिला के कहें कि फ़ोटो के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए कुछ बताने की कोशिश, और ये बताने की कोशिश हो रही है कि बिहार जो है वो टुकड़ों में बट रहा है। इस नए साल के आगाज़ के साथ ही बिहार में पोस्टर बार जारी है। कभी आरजेडी की तरफ से पोस्टर जारी किया जाता है तो कभी उसके जवाब में जेडीयू की तरफ से पोस्टर जारी किया जाता है। कल जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया था और आज उसके जवाब में एक बार फिर आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। आखिर कब थमेगा ये पोस्टर बार? पोस्टर जो वार चल रहा है बिहार की सियासत में, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, पोस्टर बार राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं शुरू किया, जदयू ने शुरू किया। लेकिन जब वो शुरू किया तो उसका जवाब भी देना जरूरी बनता है। और आज स्थिति ये है कि पोस्टर बार में जदयू पिछड़ रहा है। हम लोग उनके एक एक गलतियों पर हथौड़ा मारने का काम कर रहे हैं। आज जो देख रहे हैं वो बिहार को टुकड़े टुकड़े जो कर रहे हैं, नीतीश और सुशील मोदी आपस में ताना तानी कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि हम लोग पोस्टर वार में पिछड़ नहीं रहे, तो मतलब कि ये वार चल रहा है, आप लोग जानबूझ के इस वार में मतलब लड़ रहे हैं। एक बात बताइए, आप पर कोई अगर एक तबड़ा के देगा तो गांधी जी का जो थोड़ू है कि दोनों गाल हाथ थमा दीजिएगा, आपको तो जवाब देना ही ना पड़ता है। नहीं जवाब दीजिएगा तो कहेगा कि ओ ये कमजोर है। तो पोस्टर बार का जवाब पोस्टर बार से ही दिया जा सकता है। तो पोस्टर बार जदयू का पोस्टर बार का जवाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया है पोस्टर बार में कि जो ये जदयू वाले बोलते हैं कि किसी चीज़ पर बहस करना है, तो बोले जगदा बाबू कि टाइम और जगह जदयू के नेता तय करे। जगदानंद सिंह तैयार हैं उनके एक एक क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। और जगदानंद सिंह के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए भी जदयू और बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। लेकिन उनको तो इस सब से कोई मतलब नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि बिहार को ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं, खसोटने का काम कर रहे हैं। ये ढपोर संघी सरकार है, ये ढपोर संघी सरकार है। ये हार जो दिखाया गया है 2020 में, नीतीश कुमार का हार सुनिश्चित है। वो कुर्सी पर से गिरने वाले हैं, देख लीजिए, एकदम गिर जाएंगे कुर्सी पर से। ये बीए लेकर करके मोदी ऐसे ऐसे पलट जाएंगे। कितने पदाधिकारी इसमें देखिए अभी दोषी पाए गए, जो भी पास्को एक्ट के तहत जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है, जिसका भी जजमेंट आने वाला, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इसको जो संज्ञान लिया था, पटियाला कोर्ट में जो केस चला था उसमें कितने लोग दोषी पाए गए हैं। जो वास्तविकता, हम लोग वास्तविकता दिखाने का काम कर रहे हैं। कहाँ सुशासन की सरकार है? ये कहते सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार यही है कि यहाँ पटना के जो पौष इलाका से ये सरकार पानी नहीं निकाल सकती, वो भी सिवरेज का। बाढ़ तो कोई आई नहीं थी कि गंगा मैया का पानी चला आया था, सिवरेज का पानी था, सिवरेज का पानी नहीं निकल पाया। ये क्या यही विकास है? कितने लोग वहां से फंसे रहे, सुशील कुमार मोदी स्वयं उसमें फंसे रहे, उनका रेस्क्यू जो सरकार ने कर उनको निकालने का काम किया, क्या यही सुशासन है? प्रतिदिन देख रहे हैं आप बलात्कार हो रहा है, प्रतिदिन देख रहे हैं आप लूट हो रहा है, बैंक डकैतियां हो रही हैं। आज हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला गया है? चलिए हम एक और कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि अभी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जो बिहार के सियासत में आपकी तरफ से जो पोस्टर लगाया जा रहा है उसके जवाब में जेडीयू की तरफ से लगा, आज फिर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें खंड खंड होता हुआ बिहार को दिखाया गया है। देखिए, लोकतंत्र में और डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपनी बात जिस माध्यम से चाहते हैं विपक्षी उसी माध्यम से देना पड़ता है। शुरू में उन लोगों ने कहा कि बहस करें, जब जगदानंद सिंह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है कहीं भी जगह को सुनिश्चित करें, हम बहस के लिए तैयार हैं, राजनीतिक बहस से 15 साल बनाम 15 साल के लिए, आपने क्या अच्छा किया, मैंने क्या अच्छा किया, आपने क्या बुरा किया। जब उन्होंने
इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो पोस्टर वार शुरू किया। जब पोस्टर वार उन्होंने शुरू किया तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी पोस्टर की शुरुआत हुई है, और लोकतंत्र में अपनी अपनी इच्छाओं को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, और लोकतंत्र में अपनी अपनी बातों को रखने का अधिकार है। और हाँ बोलिए, दूसरी बात यह है कि खास करके जो यहाँ डबल इंजन की सरकार है वो कंप्लीट जनता के मामले में और जनहित के मामले में पूर्णतः विफल है। आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि घोटालों की मकड़जाल है, लुटेश्वरों का बोलबाला है, अपराधियों के चंगुल में पूरा राजधानी से लेकर के बिहार फंसा हुआ है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम आपको पोस्टर दिखा देते हैं कि जहां पर आप देखिए कि सबसे ऊपर जो हेडलाइन है वो लिखा गया है पाखंडी है सरकार, पिछड़ रहा बिहार, और नीचे जो है कि नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं, और बगल में आप देख सकते हैं कि सुशील कुमार मोदी को दर्शाया गया है, बी जो बिहार शब्द है वो खींच रहे हैं, और हार का जो शब्द है वो नीतीश कुमार के पास है। कुल मिला के कहें तो इस महीने से ही बिहार की सियासत में पोस्टर वार जारी है जेडीयू और आरजेडी के बीच में, और आज एक बार फिर आरजेडी की तरफ से नया पोस्टर जारी किया है। हो सकता है कल इसके जवाब में जेडीयू की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया जाए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है बिहार में की सियासत में अब पोस्टर के जरिए ही हो रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।